नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीजे म्यूजिक बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये डीजे म्यूजिक बिजनेस का तीसरा पार्ट है जिसमें हम जानेंगे डीजे बिजनेस का सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, डीजे बिजनेस के लिए लोन कहाँ से लें, डीजे बिजनेस के लिए लाइसेंस और परमिशन की जानकारी, डीजे म्यूजिक बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए और साथ ही जानेंगे डीजे बिजनेस में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। डीजे म्यूजिक का सामान कहाँ से खरीदें? डीजे म्यूजिक के सभी सामानों को आप लोकल शॉप से खरीद सकते हैं या आसपास के शहर से खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप बल्क में सभी सामानों को एक साथ खरीदना चाहते हैं तो हमारी राय में डीजे के सभी सामानों को मुंबई एवं कोलकाता से मंगा लेना चाहिए। मुंबई एवं कोलकाता में डीजे का बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए मुंबई एवं कोलकाता में डीजे के सभी सामान सस्ते मिलते हैं। इनके अलावा कुछ सामानों को आप ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है। आप इन विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर डीजे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी आप इस बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले MSME में अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना होगा, तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्राइवेट बैंकों के द्वारा भी बिजनेस करने के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है। अगर आप डीजे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जिस भी जिले में रहते हैं वहां के उद्योग विभाग में जाकर आप अपने डीजे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म को भरते ही शाम तक आपको आपके डीजे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। डीजे म्यूजिक बिजनेस को क्यों करना चाहिए? डीजे बिजनेस के कई फायदे हैं। पहला, केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसके बाद केवल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। साथ ही इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। आपका कहीं जॉब है या कोई दूसरा बिजनेस है तो भी इसे आप आसानी से चला सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने घर पर भी चला सकते हैं। अगर आप डीजे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको निम्न प्रकार की सावधानियां रखना होगा। गाड़ी में स्पीकर बॉक्स रखने के पहले कारपेट को अच्छे से बिछा लेना चाहिए। डीजे के वॉल्यूम को 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अर्थात डीजे के वॉल्यूम को फुल नहीं करनी चाहिए। स्पीकर बॉक्स को गाड़ी में स्टैंड और पट्टी की सहायता से अच्छे से कस देना चाहिए। स्पीकर बॉक्स एवं गाड़ी के ऊपर त्रिपाल को अच्छे से ढक देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।